तो हाय गाइस, जियो ने पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री हिलाई। टेलीकॉम इंडस्ट्री हिलाने के बाद फिर उन्होंने एक फीचर फोन के अंदर 4G डाल दिया और अब एक ऐसा लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी में है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज पे होने वाला है, जिसका जो प्राइस है वो 4 से 8 हज़ार रुपये के बीच में होने वाला है। अब क्या कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं और गेम वगैरह आप लोग खेल पाओगे नहीं खेल पाओगे, उसके बारे में हम लोग ज़रूर से बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसी लैपटॉप के ऊपर होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार किस चीज़ का वेट कर रहे हो? 2000 सब्सक्राइबर हम लोगों को चाहिए जून का महीना ख़त्म होने से पहले। समझ सकते हो आप, बहुत कम टाइम है और बहुत सब्सक्राइबर्स हम लोगों को अभी भी चाहिए। तो वो लाल वाला बटन फटाफट से दबा दो और चलो यार बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो जब हम एक लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसमें कीबोर्ड है या माउस है या डिस्प्ले है, वो तो ऑब्वियसली होने ही होने वाली है। हम लोग देखते हैं उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, उसके अंदर रैम कितनी लगी हुई है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है, ताकि हम लोग गेम वगैरह खेल पाएँ। लेकिन इस लैपटॉप का जो प्राइस होने वाला है वो मैंने आप लोगों को अभी बताया 4 से 8 हज़ार रुपये का होने वाला है। तो आप इस पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ज़्यादा कुछ भी नहीं, जो हमें फ़ोन में मिलती है वही वाली स्टोरेज आप लोगों को इस लैपटॉप के अंदर मिलेगी, जिसको मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि जो प्राइस रेंज है वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज है, जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि 2 GB रैम कम है। मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा ही है। अगर 4 हज़ार रुपये का ये लैपटॉप लॉन्च हो जाता है तो आप ये सोचो कि 2 GB रैम तो 4 हज़ार रुपये वाले फ़ोन में भी नहीं मिलती है। अब डिस्प्ले क्या होने वाली है इसकी? ऑब्वियसली 720 पिक्सल वाला ही पैनल होगा। अच्छा पैनल है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बुरा पैनल है, लैपटॉप के हिसाब से हो सकता है बुरा हो, लेकिन अगेन जो प्राइस है वो मैटर करता है। तो 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये में 720 पिक्सल वाली पैनल आता है, इससे ऊपर नहीं आता। 10-12 इंच की डिस्प्ले होगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। जो प्रोसेसर होने वाला है वो ना आएगा इंटेल की तरफ से ना ही एएमडी की तरफ से, वो आएगा स्नैपड्रैगन की तरफ से। अब वो 625 भी हो सकता है, 425 भी हो सकता है, 439 भी हो सकता है और 450 भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेसर होने वाला है वो आएगा स्नैपड्रैगन की तरफ से ही। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर विंडोज़ नहीं होने वाली है, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बात लगी कि विंडोज़ नहीं दी एंड्रॉयड दी है, क्योंकि एक स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ अगर आप विंडोज़ दोगे तो वो चल पाएगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। विंडोज़ XP तो चल जाएगी फिर भी, लेकिन विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 का ज़माना है और विंडोज़ 7 भी अब बननी बंद हो गई है। तो विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 तो आप लोगों को मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो आप इस प्राइस सेगमेंट पे और इस प्रोसेसर के साथ विंडोज़ 10 नहीं दे सकते। और जो एंड्रॉयड लैपटॉप हैं वो भी अच्छे ही होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन इतने बेटर होते हैं, एंड्रॉयड TV इतने बेटर होते हैं, तो ऑब्वियसली एक एंड्रॉयड लैपटॉप भी बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा जियो का भी तड़का आप लोगों को इस वाले लैपटॉप के अंदर मिलेगा, बढ़िया होगा। और जो जियो है वो मेनली एक टेलीकॉम ब्रांड है, एक टेलीकॉम सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देती है, नेटवर्क्स पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो इसके अंदर आप लोगों को सिम भी देखने को मिल सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है आपको इसके अंदर 4G नेटवर्क भी मिले और साथ में आप सिम वगैरह भी डाल पाओ। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि सिम भी आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा। तो ये तो थी इस वाले लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस। और ऑब्वियसली अब आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे इसके अंदर GTA 5 वगैरह खेलना, आप लोगों को अगर स्पेसिफिकेशंस पता चल गई हैं तो, क्योंकि GTA 5 को जो प्रोसेसर चाहिए वो एक तरफ रख दो और ये पूरा लैपटॉप एक तरफ रख दो, 8-10 हज़ार का वो प्रोसेसर जो है ना वो भी GTA 5 को लैग होकर चलाएगा, लेकिन ये वाला लैपटॉप पूरा ही 8-10 हज़ार का है, तो आप GTA 5 की एक फाइल भी नहीं चला पाओगे शायद इसके अंदर। लेकिन ये स्पेशली जो लैपटॉप बना है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बना है, तो उसमें तो ये आप लोगों को बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देगा, जूम क्लासेस, गूगल मीट, आप लोगों को इसके अंदर बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि एंड्रॉयड है और 2 GB की रैम है, ज़्यादा कुछ तो आप इसमें गेम वगैरह नहीं डाउनलोड करोगे, तो गूगल मीट और जूम क्लासेस अमेजिंगली वर्क करेंगी। बाकी अगर आप लोगों को पावर पॉइंट वगैरह चलाना है, MS Office चलाना है तो आप इजीली चला पाओगे, कीबोर्ड वगैरह है, टाइपिंग वगैरह एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। जिनके पेरेंट्स ज़्यादा बजट पे लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर सकते या दिलाना नहीं चाहते वो ये वाला लैपटॉप दिला सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बुरा हो गया, पहले पढ़ाई के नाम पे कह के कह देते थे कि 50-60 हज़ार वाला PC या लैपटॉप लेना है और गेम में खेलते थे बैठ के। अब जियो ने ये लॉन्च कर दिया, इसकी एडवर्टीजमेंट भी बहुत होने वाली है, बेचारे बच्चे तो फंस गए। वीडियो यहीं तक थी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं आपसे वीडियो में एक टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।